प्रॉब्लम क्या हुआ? बैटरी डाउन हो गई आते आते एक दो है तो दूसरी ऑन करने का मिल नहीं रहा था। सीट खोलने का ऑप्शन नहीं है, खड़ी होगी साली तो बिठाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। प्रॉब्लम है ना, तूने मेरी प्रॉब्लम नहीं इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया क्यों है? मेरा सब मन क्या हुई नाली में डाल के आ जाओ इसको पैदल। वैसे में स्कूटर मत लेना कोई, वैसे कोई लेगा भी नहीं। हम बोल क्यों रहे लोगों को, हम ही ले लिए। मेरे को अभी सर ने बताया आपका एक और अचीवमेंट मिला है आपको अभी, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। वेरी नाइस सर, कांग्रेचुलेशंस। मुझे जब से सर मिले हैं ना, उन्होंने आप दोनों की बात बताई, उन्होंने आप दोनों की एक फोटो भी दिखाई मुझे। मैं इतना एस्टोनिश हुआ आपकी स्टोरी से। मैंने उनको बोला था वो जब भी नेक्स्ट आएंगे आप प्लीज उनको लेकर आना या एक बार मिलेंगे जरूर हम लोग। तो ये जो क्लाइंट है इनके हमने हैरियर पीपीएफ करी थी कुछ 2-3 महीने पहले। हिज फैमिली इज सेटल्ड इन जमशेदपुर बट वो यही पुणे में रहते हैं। आई थिंक मुंबई में रहते हैं, फॉरगॉट, नहीं पुणे में रहते हैं। हाँ, उनके फादर ही इज 80 एंड ही इज अ कार्डियोलॉजिस्ट, इज अ सर्जन एंड हिज मॉम इज आल्सो 76 और 75 आई अस्यूम एंड दे बोथ वेरी बिग फैन ऑफ आवर वर्क। तो हमारे वीडियोस बहुत रेगुलरली देखते हैं। तो लास्ट टाइम जब सर डिलीवरी लेने आए थे गाड़ी के, हमने वीडियो कॉल पे बात करी थी सर से। ही वॉज इन दी हॉस्पिटल विद अ पेशेंट बट उन्होंने रोक के कॉल अटेंड किया एंड आज उनका पुणे आने हुआ था तो हमसे मिलने आए। आई एम रियली हैप्पी एंड एस्टोनिश्ड इन अ वे कि इस उम्र के और इस स्टैचर के लोग भी हमारा काम देखते हैं, हमें पसंद करते हैं। रिस्पेक्टफुल चीज है, सरप्राइजिंग भी एट द सेम टाइम एंड आई एम रियली रियली हैप्पी। हेलो सर, गुड आफ्टरनून। बेटी बेटी भाई सर, आपको आई हैव रिकवर्ड 9:30 10 o'clock जी। हम 15 मिनट आपके यूट्यूब पर देखेंगे कुछ नया चीज़ के लिए। बिग थिंग फॉर मी, फॉर समबडी लाइक यू टू बी वॉचिंग अस। हम तो बहुत छोटा सा एक काम कर रहे हैं। आप जो 6-7 या 8 साल आई डोंट नो दैट व्हेन यू स्टार्टेड दिस, आप 7 इयर्स बैक जो आप जो काम शुरू किए थे और अभी जो एट प्रेजेंट दैट टुडे सिनेरियो इज क्वाइट डिफरेंट। यस, इट्स वेरी क्वाइट डिफरेंट। 5 इयर्स पहले का मुझे याद है सर, मतलब ऐसा था कि रेंट नहीं निकलता था। इट वाज वेरी 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 डिफिकल्ट टाइम एंड वेरी डिफरेंट टाइम एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव ग्रोन एंड 50 लोगों का घर आज इस बिजनेस से चलता है। इट्स अ बिग डील फॉर अस। और एक चीज हमको दिमाग में था, आपका जो वीडियो आप देखते हैं जी, एवरीबॉडी इज एनी कस्टमर राइट, व्हेन इट कम्स टू हैंड ओवर द कार राइट, एवरीबॉडी इज वेरी हैप्पी। इसका पीछे में क्या कारण है? देखो, एक तो मैं बताता हूँ जो मेरे पापा मेरे को बोलते हैं, विच इज वेरी ट्रू, यू कैन नॉट सेटिस्फाई एवरी क्लाइंट। अगर आप 100 में से 100 को एम करने, इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी हर किसी का अपना नेचर है सब, यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट। लोग खुश इसीलिए है बिकॉज एक चीज है कि मैं किसी की भी गाड़ी करता हूँ, मैं अपनी समझ के करता हूँ, दिस इज अ फैक्ट। तो अगर आपकी गाड़ी पे कहीं पेंट उड़ गया ना हमसे, तो आई विल फील इक्वली सैड एज मच एज यू वुड फील। तो एक एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। आई थिंक दैट गोज विद योर बिजनेस, योर लाइन ऑफ वर्क एज वेल। एंड बियॉन्ड दैट वी ट्राई आवर बेस्ट टू डू आवर बेस्ट। वो हैप्पीनेस कस्टमर में दिखती है। और एक चीज मुझे और लगती है जो है वो, बिकॉज पीपल सी यू ऑनलाइन ना, दे आर वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, कुड बी दैट आल्सो। थैंक यू वेरी मच, रियली आई एम वेरी प्राउड टू मीट विद यू। नहीं, आई एम वेरी प्राउड टू मीट यू सर। प्रे टू गॉड दैट योर फ्यूचर विल बी, थैंक यू सो मच सर, स्मूथ एंड वेरी 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 मच ब्राइट। थैंक यू सर, थैंक यू। और आपका न्यू वीडियो आप निकालिए, हम देखते रहेंगे, बहुत खुश रहते रहेंगे। थैंक यू। यस सर। आप ये देखिए इसका फिनिशिंग देखिए। हाँ, कैसा फिनिशिंग किया देखिए। 25 लाख रुपीज में दे हैव टू कम्पीट विद एवरीबडी एल्स। या तो पड़ी कर सकते हैं, या फीचर्स या टेक डाल सकते हैं, या चलाने में अच्छी बना सकते हैं। अभी मैंने हेक्टर का टेस्ट ड्राइव किया, इट्स नॉट अ ड्राइवर्स कार, आपको चलाने में उतना मजा नहीं आएगा। बट फीचर्स के मामले में दे हैव पुट टेक्नोलॉजी वाइज सब डाल दिया, जो एनीथिंग यू कैन इमेजिन सब घुसा दिया। तो हर क्लाइंट का अपना एक रिक्वायरमेंट होता है। पर ये ड्राइविंग में मजा आता है, ये ड्राइविंग में मजा आता है। ये जो कई मार्क खाए ना, जैसे एरोडायनामिक, इंसुलेशन, फिट एंड फिनिश, उन चीजों में थोड़ा मार्क आ गया।
अब जो गाड़ी जो चलने में अच्छी है वो आप दबा के चलाओगे, गड्ढों में डालोगे, सब करोगे, उसके बाद खड़खड़ खुड़खुड़ कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। जब मैं खरीदा था, हाँ, I had to put this to the service center thrice within 2 weeks. Okay. पीछे का the jet was not working. Okay. पता चला पंप ही खराब है। अच्छा। नई गाड़ी है तब तक। अभी देखो इसमें आवाज तो नहीं आई, बट जो जो मुझे लगा, हमने दरवाजे भी मैंने खींच खाच के, इसने भी मैंने भी देखे, हमें ये लगा तो हमने सॉल्व कर दिया। अगर फिर भी आपको दिक्कत आई, यू ब्रिंग इट अगेन, कहीं अगर लगता है आवाज तो वी लुक इनटू इट अगेन। आई डोंट थिंक कुछ आया। आप यहाँ से खड़े होकर देखता हूँ, यू विल नॉट बी एबल टू फिगर इट आउट। हाँ, वेरी लाइटली। हाँ, ठीक है। तो अभी व्हाट वी हैव डन इज, हमने यहाँ से ये कट लिया है, ये इतना पीस चेंज किया है, छोटा सा एरर है, यहाँ पे एक डेंट आया है छोटा सा, बट दैट्स नॉट दैट बिग ऑफ एन इशू, सो यू शुड नॉट वरी अबाउट दैट। सो वेरी माइनर एक्सीडेंट हैपेंड सर, की गाड़ी यहाँ से घस गई थी, हमने 3-4 दिन पहले डिलीवर करी है। यहाँ पे एक छोटा सा डेंट आया विच वी आर सीइंग नाउ, पहले नहीं दिख रहा था, तो हमने क्या किया, यहाँ पे छोटा सा PPF कट करके इतना पोर्शन, ये इतना पोर्शन और बंपर का ये इतना पोर्शन चेंज किया, तो इट्स वेरी हार्ड टू फिगर आउट एक्सेप्ट फॉर दिस लाइन, बाकी कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरा रिकमेंडेशन सर को ये था, आपने अभी ऑलरेडी इस गाड़ी पे इतना खर्च किए, स्पेंट ऑलरेडी ऑन इट अ लॉट, पूरा पैनल चेंज करने का कोई सेंस नहीं बनता है, यूज दिस एंड देन आगे जाके कभी पैनल घसा या कुछ भी मेजर डैमेज हुआ, देन विल थिंक ऑफ डूइंग द होल पैनल। ये यहाँ पे कट किया है तो ये पीस चेंज कर दिया, ये चेंज कर दिया, एंड ये कट हमने यहाँ पे लिया, तो ये दिखेगा नहीं आपको, ये तो इतना मालूम नहीं पड़ रहा है, तो इतना ही है बस। So if you stand at like 2 feet distance, you'll not be able to figure out, but यहाँ पे डेंट अभी हो ही गया। Yes. तो मैं गाड़ी निकलवा देता हूँ अभी। हाँ, ठीक है। If you would have had to change the whole bumper corner, then it makes sense, क्योंकि मुझे उतना पीस काट के निकालना पड़ता है, बट ये छोटा मोटा सर, I will not charge you. ठीक है सर, थैंक यू सो मच, प्लीज ड्राइव केयरफुली नाउ। नहीं अभी तो नहीं, बट यू विल नॉट बी एबल टू नोटिस इट, दैट मींस इट्स वेरी माइनर। आप बाहर भी जरा देखो एक बार, अगर आपको इतना नोटिस हो रहा है तो नहीं, दिस इज फाइन, मैनेजेबल। कल को अगर घसा ना यहाँ पे, ये पूरा घसा है, कुछ हुआ, देन विल थिंक ऑफ चेंजिंग। या तो फिर वो डेंट भी करा लेंगे। यस, सर का बहुत खर्चा हो गया था यार, एंड इट्स फाइन, अगर इतना छोटा मोटा है तो समटाइम्स यू हैव टू लिव विद इट। वो छोटा सा जो डेंट आया सर कह रहे, उसको मैं नजर बट्टू समझ लूंगा, काला टिक्का होता है ना। ब्यूटी एंड द शायद राघव भाई रास्ते में फंसे। क्यों? हमको जाना पड़ेगा। क्या हो गया? बाइक बंद पड़ गई है शायद। उसकी बैटरी चेंज की क्या? बोला मैंने, वो बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन बोला बंद हो गई गाड़ी? नहीं बोला कौन। वहाँ से डीजल लाते ना डाल के, तो आग लगा देते। टट्टी स्कूटर ना दुनिया में नहीं बन सकता, ना आज तक बना है ना कभी बन सकता। बैटरी खत्म हुई है, भगवान जाने क्या हुआ। ये तो क्या फटफटियों की तरह चलता है, मतलब फुल एक्सीलेटर दिया तो ये पूरा डाउन हो जाता है, फिर छोड़ा तो आठ टूट जाता है, जैसे गियर चेंज कर रहे हैं। तेरी जिंदगी का ना सबसे वर्स्ट डिसीजन, डीजल डाल के आग लगा देना चाहिए स्कूटर को, बेचना भी नहीं चाहिए किसी को। 49 के ऊपर नहीं जाता है, उसकी टॉप स्पीड है 40। साइकिल वाले मेरे से तेज जा रहे थे बाजू से। राघव, It is not the rabbit who wins, it is the tortoise. Hele, nahi chahiye mujhe. Main kya karu? Aag laga de isko. Ek minute idhar aa, sun. Problem kya hua? Battery down ho gayi aate aate. Ek mein do hai. तो दूसरी ऑन करने का मिल नहीं रहा था, सीट खोलने का ऑप्शन नहीं है, खड़ी होगी साली तो बिठाने का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। प्रॉब्लम है ना, तूने मेरी प्रॉब्लम नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाया क्यों है?
मेरा सब मन क्या हुई नाली में डाल के आ जाओ इसको पैदल भाई से में स्कूटर मत लेना कोई वैसे कोई लेगा भी नहीं हम बोल क्यों रहे लोगों को हम ही सब हर्षल के काम है सारे गिन के ना गिन के बोल रहे पूरे इंडिया में दो या चार स्कूटर बिके होंगे नहीं मुझे दिखे थे रोड पे तो एक हमारी जैसे वही थे दो वो फोन पे भी चिड़चिड़ कर रहे थे कहाँ से खुलता है ये बोल कैसे होता है तू एक एक मिनट तू एक बात बता तू ये जंपिंग जैक क्यों बना रहा है जंगल सफारी में जा रहा है तू है जैकेट ऑफिस में भूल गया मैं राघव हीरो का जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है हमारे पास उसमें दो बैटरीज डलती हैं तो बैटरी स्विच करनी पड़ती है जब से हमने स्कूटर खरीदा है राघव ने कैसे खुलता है डिक्की कैसे खुलती है बैटरी कैसे चेंज करते वो देखा नहीं आज उसकी रास्ते में एक बैटरी रन आउट हो गई और सबसे मजे की बात यह है कि वो अपनी बाइक लेके आ रहा था मैंने उसको बोला कि तू ये वाला स्कूटर ले जा बाइक घर पे छोड़ दे कि स्कूटर दुकान में लगेगा बेचारा तब से फ्रस्ट्रेटेड है सर जैसे इसमें बाकी सब गाड़ी पे तो रीडिंग ठीक है 200-250 इतना चल जाता है अगर 500-600-700 वैसे रीडिंग रहता है तो वहाँ पे इसका मतलब रहता है कि मेटल के ऊपर उतना काम हुआ है अच्छा अगर पुट्टी वर्क ज्यादा होता है तो उस केस में रीडिंग बहुत ज्यादा दिखाता है तो हम अगर उस पर कितना भी अच्छा पेंट मार लेंगे अगर इसमें बहुत सारा पुट्टी वर्क हुआ है शेप बना नहीं है पैनल का तो उस केस में प्रॉब्लम देता है कि वहाँ पे ब्लिस्टिंग आएगा क्रैक होगा पेंट यहाँ पे बस है इतना स्ट्रिप डाउन कर लेगा मतलब पूरा मेटल तक निकाल देंगे यहाँ पे फिटिंग निकलता है यहाँ पे अंदर का पूरा यहाँ पे मास्किंग आएगा इंटीरियर में कुछ ओपन नहीं होगा बाहर से पूरा बॉडी का पेंट हो जाएगा बाकी ये सब ऐसे ही रहेगा उसमें सिल्वर रहेगा अंदर का अभी जो गाड़ी आई थी ना X3 का एस्टिमेट वगैरह बना के दिया है तो कलर चेंज करना है अभी RTO अप्रूवल का बोला है पर अप्रूवल लेके आएंगे तो फिर हम कलर चेंज कर सकते हैं और थोड़ा सा पुराना गाड़ी है कि जो डोर के बिटिंग्स रहते हैं वो वन टाइम यूज रहते हैं BMW के तो वो भी चेंज करने पड़ सकते हैं तो मैंने अभी चेसिस नंबर लिया है उसका तो देखते हैं अगर पार्ट अवेलेबल हो जाता है तो ऑर्डर कर देंगे गाड़ी आने तक पार्ट भी आ जाएगा हम लोग जा रहे हैं ऑक्टावे की टेस्ट पे इसका एक टेल लाइट का बल्ब बंद हो गया था वो चेंज किया और दूसरा गाड़ी के दरवाजे में से थोड़ी सी आवाज आ रही थी लेफ्ट साइड से वो भी एक बार चेक कर दिया अरे आलम क्लार्क केंट मैं गाड़ी में बैठता हूँ ना तो मैं भूल जाता हूँ कि कितनी पावरफुल है 500 के जैसे एक्सीलेटर दे देता हूँ फिर यह रॉकेट की तरह भाग जाती है आगे मुझे हमेशा से लगा है इस गाड़ी में चीजें बहुत सिंपल हैं पर सब 100% ऑफ द टाइम सही तरीके से वर्क करती हैं XUV500 में हमारे क्या है क्रूज कंट्रोल कभी ऑन होता है कभी नहीं होता अपनी मर्जी है भाई मतलब मैंने अगर 4-5 बार लगातार सेट कर करके ऑन किया ना बार बार तो एक आध बार फिर नहीं होता ऑन मतलब कहीं ना कहीं वो फेलियर्स हैं MG में जैसे हमने देखा टच स्क्रीन में लैग था अब ये 2013 का स्क्रीन है वो 2023 का स्क्रीन है तो भी इसमें लैग नहीं है उसमें लैग है ये छोटी छोटी चीज है मतलब देख हर गाड़ी में अपनी अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता ये भी नहीं है इसमें पर इन्होंने जो चीज़ की है ना वो टेक एंड फीचर्स से ज़्यादा उन्होंने ड्राइविंग कंफर्ट और रिलायबिलिटी पे काम किया भाई छोटा है पर रिलायबल है दरवाजे में से तो अभी कोई आवाज़ आ नहीं रही वाइब्रेशन मेरे को तो नहीं लगी और पिकअप तो ये देखिए स्पोर्ट मोड है देखिए 30% थ्रॉटल बहुत जबरदस्त है पापा पूछ रहे थे ये गाड़ी अनलॉक कहाँ से होती है मैं कहा आप कैसी बातें कर रहे हो अनलॉक कहाँ से होती है मतलब क्या होता है फिर बोले यार जब भी मॉल जाता हूँ यार डिक्की खोलने के लिए गाड़ी की चाबी निकालनी पड़ती है ऑन करनी पड़ती है मैं फिर बोला पापा ये तो रहा अनलॉक का बटन लाइट भी जल रही है उसमें सेंटर लॉकिंग ऑन एंड ऑफ करने का बटन यहाँ पे दिया हुआ है पापा को गाड़ी नहीं अच्छी लग रही थी क्योंकि उसमें लॉक अनलॉक का ऑप्शन नहीं दिख रहा था उनको बोलते रैपिड ही अच्छी थी डिक्की का अलग से बटन
कैम था तो डोर पैड में दिया रहे। हाँ डोर पैड में दिया हुआ है उसमें। पहले तो मुझे समझा ही नहीं कि उनका प्रॉब्लम क्या है। मैं कहा तो डिक्की में भी तो बटन है, वहाँ से जाके खोल ले। पर बोले उसके लिए चाबी निकालनी पड़ती है, जब तक गाड़ी इंजन ऑन है तब तक वो डिक्की नहीं खुलती। मैं कहा फिर ये वाला बटन यूज करो। फिर उनको पता ही नहीं था यहाँ पे बटन। रैपिड में डिक्की में स्विच नहीं दिया हुआ है। हाँ रैपिड में डिक्की में स्विच नहीं दिया हुआ है, इसमें स्विच है। इसकी तो डिक्की खुलती भी कितनी वाइड है, पूरी एकदम ऊपर तक पूरी हो गई है गाड़ी एकदम। जो चाहिए था, विंडो के स्विच चाहिए थे, मिरर के इंडिकेटर चाहिए थे, डिक्की का प्लास्टिक चाहिए था, हर चीज एकदम बढ़िया हो गई। अभी सारे प्रॉब्लम्स भी खत्म हो गए, सब प्रॉब्लम्स खत्म हो गए। अब मैं बता देता हूँ, ये गाड़ी ली थी हम लोगों ने 8,30,000 या 8,20,000 समथिंग लाइक दैट। 8,30,000 की गाड़ी ली, उसके ऊपर पेंट जॉब किया, ऑलमोस्ट 70,000 के आसपास के पार्ट सारे डले, छोटे छोटे ये वो मिला के टायर इंक्लूडिंग। गाड़ी अब एक नंबर बढ़िया हो गई है। हमने मैकेनिकल पार्ट्स भी डाल दिए इसमें, सर्विस हो गई गाड़ी। अभी इट्स परफॉर्मिंग लाइक जैसे ब्रांड न्यू गाड़ी होनी चाहिए। तो उस हिसाब से इट वॉज ग्रेट वैल्यू। जब हमने खरीदी थी आई वुड लाइक इट टू बी कि ज्यादा और क्लीन गाड़ी होती, थोड़ा बहुत इधर उधर डेंट्स थे, बट वो पेंट करने से सारा रिजॉल्व हो गया अपना काम। जूली ना किसी दिन गाड़ी के नीचे आएगी, जैसे ये रोड के बीच में पड़ी रहती है ना, ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है इसको। देख अब ये जेटा और ऑक्टाविया कितनी सिमिलर है, पर एक कलर से कितना फर्क पड़ जाता है। दरवाजे से जो थोड़ी बहुत मूवमेंट की आवाज आ रही थी वो भी पूरा रिजॉल्व हो गया। गाड़ी अभी एकदम टिप टॉप है और अभी पापा इसको एज अ डेली ड्राइवर यूज करने वाले हैं। रोड पे किसी को दिखे ना तो ऐसे थम्स अप देना। फ्रॉम शोरूम टू योर शॉप, थैंक यू। जस्ट टू के डिलीवरी, वंडर कार से लिया और आपके यहाँ। ब्लैक नया कलर आया ना, पहले नहीं था ना? पहले नहीं था। बेस्ट है कलर। आपने बोला था कि पीपीएफ करवा लो सो दैट इट विल हेल्प। यस। तो आप मैट सोच रहे हो, ग्लॉस सोच रहे हो? नहीं ग्लॉसी। ठीक है, देता है कोटेशन, मैं भी आता हूँ थोड़ी देर में एक काम खत्म करके। ऑलराइट सर। तू मार रहा है इसको ऐसे ऐसे मारना है, ये जो एक एंगल ऐसे मार रहा है इसको, तेको पैड सीधा रखना है। जहाँ पे टेढ़ा करने की जरूरत है वहीं पे टेढ़ा करो, जहाँ सीधा मारना है वहाँ सीधा मारो, एंगल मत दो उसको। इसलिए मैं जो बात बोली है दिमाग में बिठा लो, क्या बोला था उस दिन? हाफ, और वो सिस्टम फॉलो करके मारने का। पकड़ पैनल पे ध्यान रख रहा है ना, एक ही बारी में निकालना है सारा, जो सेक्शन तूने लिया है वो एक बारी में होना चाहिए। और धार का बिल्कुल ध्यान रख, मशीन के कंट्रोलर पे उंगली रख, धार पे जैसे जाता है स्लो कर, मेरे को दिखा नहीं तू स्लो करते हुए। मेरे को एक कॉर्नर पे मारना है, मेरे को इसी तरीके से, अगर मैं ऐसे लूंगा ना ये कॉर्नर पे नहीं चलेगा, समझा? तो इधर थोड़ा सा एंगल इस तरीके से लेना ही पड़ेगा। अभी भी मैं क्या कर रहा हूँ, ऊपर की धार पे नहीं आया हूँ, ठीक है? देख पैनल जिधर अंदर बाहर होता है उधर ही ये होता है, बाकी जगह पे क्यों नहीं है? सैंडिंग तो पूरा पैनल हुआ है तो पूरे पैनल पे क्यों नहीं है? मशीन कहीं कम ज्यादा यूज करोगे तो वो प्रॉब्लम आता है। अब जहाँ कम यूज करोगे तुमको उसी टाइम ध्यान देना है। रबिंग पोछ ली, क्लियर कर लिया, पोछ के देखा, चेक किया, जिधर अगर दिखा वापस हल्का सा लगाओ और उसको मार दो। पानी कैसा रहता है मेरे को बता, ऐसा रहता है या ऐसा रहता है? गाड़ी के ऊपर जब तू पेंट स्प्रे करेगा ना और वो जब सूखेगा ना उसमें ये वेवीनेस रहती है, ये कभी भी ऐसा सीधा नहीं रहता। इसलिए हम जब सैंड करते हैं तो हम ये कुछ काट देते हैं। अब तुम इसे क्या ज्यादा काट सकते हो? हाँ तुम काट सकते हो। में जो नए लड़के ज्वाइन हुए हैं उनको मैं थोड़ा बहुत थ्योरेटिकल नॉलेज अपनी तरफ से देने की कोशिश कर रहा था। अब जो सबसे बड़ा चैलेंज आ जाता है वो ये आ जाता है कि चीजें सिंपलीफाई करके किस तरीके से समझाएं, क्योंकि ज्यादातर लड़के जो है बहुत पढ़े लिखे नहीं होते, उनको वो लॉजिक समझना चाहिए पर उसके पीछे फिजिक्स में मेजर करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। जितना रियल लाइफ इवेंट्स हम उनको रिलेट करके समझा सकते हैं उतना मेरा गोल रहता है कि उनको समझाएं। नौ लोगों ने ट्रेनिंग ज्वाइन की थी, अभी करीबन 15 दिन हो गए हैं, अभी बचे हैं 4, बाकी के कोई एक दिन का मेहमान था, कोई 2 दिन का, कोई हफ्ते भर का।